राजस्थान में चुनावी घमासान मचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसून के आने से पहले ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मेडिकल सुविधाएं, सस्ता रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को मोबाइल फोन देने की काफ़ी पॉपुलर घोषणाएं हो रही हैं। रविवार को ही घोषणा की गई है कि महिलाओं को मोबाइल फोन बांटने में अगर दिक्कत होती है तो इसके बदले में उनके खाते में सीधे मोबाइल फोन के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कांग्रेस ने भले ही चुनाव को देखते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी हो, पर बीजेपी भी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नए या पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को जगह जगह जाकर सम्मानित कर रही है। बीजेपी का यह आइडिया काम तो जरूर करेगा, लेकिन केवल युवा मतदाताओं को खींचने भर से पूरी बात बनने वाली नहीं है, और भी कई मोर्चों पर काम करना होगा। हालांकि राजस्थान ने वर्षों से कभी भी चुनाव के बाद सरकार को रिपीट नहीं किया है, लेकिन इस बार चुनावी जंग कुछ अलग ही कहानी कह रही है। लगता है कि गहलोत इस बार के चुनाव को अपना आखिरी चुनाव समझकर पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं और समूचा राजनीतिक कौशल दांव पर लगा रहे हैं। उधर बीजेपी अभी तक राजस्थान का अपना चेहरा भी तय नहीं कर सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी के पास वह तुरूप का इक्का हो सकती हैं जो गहलोत और उनके राजनीतिक कौशल से लोहा लेना जानती है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है अभी तक बीजेपी ने उन्हें हरी झंडी नहीं दी है। यह सच है कि बीजेपी ज्यादातर मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर आगे ले आती है और चुनाव लड़ती है, और इस रणनीति के तहत कई बार भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं भी मिली हैं। लेकिन कर्नाटक के नतीजों से बीजेपी को भी यह सबक तो मिल चुका है कि मोदी को लोकसभा चुनाव में चेहरा बनाना सफलतम रणनीति है, पर राज्यों के चुनाव में उनके पास एक लोकल लीडरशिप भी होनी चाहिए। वैसे तो डबल इंजन का फॉर्मूला काफ़ी कामयाब रहा, लेकिन इस डबल इंजन वाले फॉर्मूले में राज्य वाला इंजन अक्सर कमज़ोर पड़ जाता है। फिर राजस्थान में तो फिलहाल भाजपा की सरकार भी नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान में होने वाले चुनावी दंगल के मद्देनजर बीजेपी फिलहाल उतनी ताकतवर नहीं दिखाई दे रही है जितनी पहले के चुनावों में होती थी या दिखाई देती थी। जबकि कहने को ही सही, कांग्रेस ने गहलोत पायलट विवाद को भी कुछ हद तक टाल दिया है, यह उसकी बड़ी कामयाबी भी मानी जा सकती है। हो सकता है बाद में विवाद और भी बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल तो इसे थामा गया है। यही हाल रहा तो गहलोत पायलट ने मिलकर चुनावी कमान संभाली तो फिर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने से रोकना बीजेपी के लिए काफी कठिन हो जाएगा। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।